हेलो दोस्तों, कैसे हैं? आई होप सभी लोग ठीक होंगे, मस्त होंगे और ज़बरदस्त होंगे। मेरे दोस्त, कहीं ना कहीं हमारा जो इंटरनेशनली वेबिनार हुआ बहुत ही ज़बरदस्त रहा। उसको एक्सप्लेन करने से पहले जो भी कुछ पॉइंट उसमें जो अपडेट आई हैं, बहुत अच्छी अपडेट आई हैं, वो फाउंडर को लेकर के इसमें कवर करूँगा। उससे पहले मैं आपसे कुछ बातें करना चाहता हूँ, तो प्लीज़ उसको आप सुनना और उस पर आप गौर फरमाइएगा। सबसे बड़ी चीज़ होती है जो हमारा मंडे का इंटरनेशनल वेबिनार होता है, वो मुझे बहुत अच्छा लगता है। ऐसा क्यों है कि मुझे क्यों अच्छा लगता है? सबसे बड़ी चीज़ ये होती है कि वहाँ से ऐसे अदर अदर कंट्री के लोग आते हैं और क्वेश्चन पूछते हैं। ये अच्छा लगता है, अपने आप में एक प्राउड फील होता है। और सामने इतने बड़े बड़े लीडर्स बैठे होते हैं, मार्केटर के बादशाह बैठे होते हैं मार्केट में। पूरा जो डिजिटल मार्केटिंग होता है उनमें बहुत सारे वो पैसे कमाते हैं। वो एक्सपीरियंस अपना शेयर करते हैं कि क्या असल में ऑन पैसिव है। वो अपनी तरफ से भी कुछ चीज़ें ऐड करते हैं, कुछ एस एफ आर एस सर की जो अपडेट होती हैं वो भी कहीं ना कहीं बताते हैं। तो मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि बहुत कम ही ऐसे इंडियन फाउंडर हैं जो ये वेबिनार देखते होंगे, मुझे ऐसा लगता है। प्लीज़ आप लोगों से रिक्वेस्ट ये है कि आपकी नेगेटिविटी का कारण है आपकी एक्टिविटी ना होना। यही है, बाकी कोई दिक्कत नहीं है। आप एक्टिव नहीं है तो इसी आपकी नेगेटिविटी का कारण है। प्लीज़ अपने आप को आप एक्टिव करें। तो मेरे दोस्त, हमारा इंटरनेशनल का वेबिनार बहुत ही ज़बरदस्त रहा। मैं एक पॉइंट को कवर अप करना चाहूँगा, मुझे बहुत अच्छा लगा, वो है ओ फाउंडर को लेकर के। मेरे दोस्त, ओ फाउंडर अब कभी भी आ सकता है। हालांकि वो अभी अक्टूबर मंथ से वो रेडी है, तो उसमें कुछ और फीचर ऐड हो रहे थे, तो अभी वो कभी भी आ सकता है। वो हो सकता है कि हमारा फिजिकल इवेंट हो, और फिजिकल इवेंट का मतलब ये होता है कि हम ऑफलाइन तरीके से उसको कहीं ना कहीं लोगों के सामने पेश करें। हमारा ओ जो कभी ना कभी हम बोल सकते हैं ना कि हम देखते हैं कि हमारा 24 को गुरसमिंदर सर हमारे जो हैदराबाद जाने वाले हैं, मैं भी हो सकता है कि उस दिन भी आ सकता है। मैं भी आ सकता है बोल रहा हूँ, ये नहीं समझना कि आ रहा है। तो प्लीज़ ये चीज़ें आप ध्यान में रखना, क्योंकि गुरसमिंदर सर एक ग्लोबल लीडर हैं, पूरी दुनिया उनको जानती है। ये इंडिया में आने के मौके पर तो हो सकता है कि वो ओ फाउंडर को लॉन्च करवा कर ही जाएं, ये एक अच्छी खबर है हमारे लिए। अभी अभी बात करते हैं कि उसमें बहुत सारे ऐसे फीचर्स होंगे और उसमें क्या बातें हैं। मैं पुरानी बातों को नहीं ऐड करूँगा कि आप इसमें जो है ना आईडी को ट्रांसफ़र नहीं कर सकते, आप यहाँ पर रिफ़ंड नहीं ले सकते, तो ये सब पुरानी बातों को मैं नहीं यहाँ पर कवर करने वाला हूँ। सबसे बड़ी चीज़ ये है कि ओ फाउंडर आने के बाद में जो सेमी लॉन्च है, वो सेमी लॉन्च कितना दिन में होगा, इसका एक आइडिया आपको बताने वाला हूँ। आप इसको समझिएगा कि मैं बताने की कोशिश क्या कर रहा हूँ। तो मेरे दोस्त, जो सेमी लॉन्च है वो हमारा बहुत जल्दी होने वाला है। मैं भी जो एक आइडिया लगाते हैं कि यार इस ईयर में हमारा सेमी लॉन्च होगा या फिर नहीं होगा, तो आप एक आइडिया लगा सकते हो कि ओ फाउंडर आने के बाद में हमारा सेमी लॉन्च कब तक हो सकता है। मे बी हम 10 लाख प्लस भी हो चुके हैं, तो हो सकता है कि हमारी फाउंडर मेंबरशिप भी प्राइमरी बंद हो सकती है। एक आइडिया यही है कि 2 एंड 3 वीक में, जिस तरीके से हमारे चार्ल्स सर, मार्टी डिगार्मो सर, रेड रेडफन सर ने बोला है कि 2 एंड 3 वीक में हम सेमी लॉन्च करने वाले हैं, उन्होंने ऐसे एक आइडिया के तौर पे बताया जिस तरीके से मैं आपको बताने वाला हूँ। तो ये तीन बड़े लीडर दुनिया के इन ऑन पेस्यू के, ये जब बोल रहे हैं कि विद इन 3-2 वीक हम कर रहे हैं लॉन्च, तो कहीं ना कहीं इसमें कुछ ना कुछ सच्चाई होगी। आपको यहाँ पर पेशेंस बना के रखना है, और जो मैंने आपको ये पॉइंट कवर किया, प्लीज़ आप उसको ध्यान रखिएगा कि ये पॉइंट आपको नोट करना है, और कहीं ना कहीं जो इंटरनेशनली जो हमारा वेबिनार होता है उसमें आपको जाना है। आप बोलते हो कि मैं ऑन पेस्यू का फाउंडर हूँ, और 11:30 बजे रात को आप खुद ही सो जाते हो और वो इंटरनेशनल वेबिनार हो रहा है, तो नेगेटिव आप नहीं होंगे तो क्या मैं होऊंगा? आप ऐसा मत करें। प्लीज़ आप जाएं वहाँ पे और लोगों की बात को सुने समझें, कहीं ना कहीं आपको अच्छा लगेगा। थैंक यू सो मच। अच्छा पॉइंट ये है कि वहाँ पर बहुत सारे पॉइंट कवर किए गए, बहुत सारे क्वेश्चन पिक किए गए। बाकी सभी क्वेश्चन को पिक नहीं करना चाहूँगा, आपकी मर्ज़ी है, आप देखें या ना देखें। मेरे दोस्त, आप जब इसको समझेंगे नहीं तो कहीं ना कहीं आपका फाउंडर होने का मेरे दोस्त कोई फ़ायदा भी नहीं है, ये मैं दिल से बोल रहा हूँ। प्लीज़ आप जाया करें उस वेबिनार में। मैं उस वेबिनार की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं सभी वेबिनार की बात कर रहा हूँ जो भी आपको इंपॉर्टेंट लगते हैं कि यहाँ से मुझे नॉलेज मिल सकती है। वहाँ पर आप जाएँ, और कहीं ना कहीं वहाँ पर जाने के बाद में आप उनको समझें। भले ही आपको इंग्लिश नहीं समझ में आती है, बट समझने की
कोशिश करें, क्योंकि उनकी जो बॉडी लैंग्वेज होती है, बोलने का तरीका होता है, वो भी बहुत कुछ बयान करता है। सो वो भी आपको समझना होगा। सो थैंक यू सो मच, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। इंटरनेशनल की वेबिनार की अपडेट तो बहुत सारी हैं, लेकिन मैं ओ फाउंडर को लेकर के बहुत सब कुछ कवर कर लिया, उन्होंने क्या क्या बताया, और ओ फाउंडर में भी इसी महीने तक हमको हो सकता है कि मिल जाए, तो देखते हैं क्या होता है। सो थैंक यू सो मच, आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय ऑन पैसिव।